वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं जुलाई माह चल रहा है और सभी जो स्थायी कार्मिक है उनके जो बेसिक है उसमें इंक्रीमेंट लगेगा। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको पहले तो बता दूँ किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि इंक्रीमेंट में कोई समस्या नहीं आए। सबसे पहले तो आपको मास्टर में जाकर के ये चेक करना है कि जो भी कार्मिक है, अब जैसे मैं एक आपको लाइव उदाहरण करके देख के बता देता हूँ कि जो भी कार्मिक है इसमें से आप किसी भी कार्मिक को सिलेक्ट कर लें, यहाँ राइट साइड में जो भी कार्मिकों की लिस्ट है और यहाँ आपको पे एंड बैंक पे क्लिक करना है। पे एंड बैंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये इंक्रीमेंट डेट देखनी है, 1/7/2023 होनी चाहिए इंक्रीमेंट लगाने से पहले, और इंक्रीमेंट लगने के बाद में ये डेट है 1/7/2024 हो जानी चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है इसका मतलब इंक्रीमेंट लग गया है। अगर किसी के ऐसा नहीं हो रहा है या डेट मान लो यहाँ जैसे 1/7/2022 है तो इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए पूरा वीडियो मैंने पिछले 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया था जिसमें किसी कार्मिक की जो इंक्रीमेंट डेट है वो कैसे चेंज करेंगे वो मैंने पूरा लाइव प्रोसेस करके बताया, तो वो आप जरूर देखें। अब जैसे किसी कार्मिक का इंक्रीमेंट लगाना है तो आपको यहाँ मास्टर में आना है और मास्टर में आने के बाद में जैसे यहाँ इंक्रीमेंट बेसिक इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपको ईयर 2023 मंथ जुलाई सेलेक्ट करना है। पे कमीशन यहाँ आपको जैसे 7th पे है तो यहाँ 7th सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, किस ग्रुप के कार्मिक जो भी है उनका आप अपडेट करना चाहते हैं बेसिक। अब यहाँ से जैसे मैं यहाँ इसमें ग्रुप में जो भी कार्मिक है जिन जिन का भी इंक्रीमेंट लगाना है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। तो ये आ गया कि बेसिक इंक्रीमेंटेड सक्सेसफुली। अब जैसे यहाँ सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, आप इसको ओके पे क्लिक करके आप यहाँ से चेक करें कि जो मैंने अभी जैसे बताया था मास्टर में जाकर के जो इंक्रीमेंट डेट 1/1/2023 थी अब उसकी जगह जैसे यहाँ 24 हुई या नहीं हुई। तो अब जैसे यहाँ मैं एक कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट करूँ जो इस ग्रुप में थे, अब उसके बाद में यहाँ जैसे पे एंड बैंक पे क्लिक किया तो अब यहाँ से क्लिक करने के बाद में आ गया कि इंक्रीमेंट डेट 1/7/2024, इसका मतलब ये जो कार्मिक थे इनकी डेट है वो इंक्रीमेंट डेट चेंज हो गई, इसका मतलब इंक्रीमेंट लग गया है। तो ये तो था इंक्रीमेंट लगाने का प्रोसेस। अगर मान लो गलती से किसी के इंक्रीमेंट में गलत लग गया है तो उसको डिक्रीमेंट का भी जो ऑप्शन है कि आपको इसको कैसे करना है तो उसके लिए भी अगर आप जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। वैसे पिछले साल मैंने बताया भी था कि किस तरीके से अगर इंक्रीमेंट लगाया हुआ है उसको वापस आप रिवर्ट करना चाहते हो वो कैसे करेंगे, तो वो प्रोसेस अलग से है। अब जैसे इंक्रीमेंट का मैंने आपको बता दिया, इसी तरह से जैसे दूसरे कोई ग्रुप है जिसमें इंक्रीमेंट जिसका भी लगाना है यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको 7th पे करना है, और यहाँ से जैसे मैं दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब जैसे इस ग्रुप में जो भी कार्मिक है उनके इंक्रीमेंट लगाना तो यहाँ से जो भी कार्मिक है उनका नाम यहाँ एंटर करके यहाँ प्रोसेस पे क्लिक कर रहा हूँ, और प्रोसेस क्लिक करने के बाद में आ गया कि बेसिक इंक्रीमेंटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपको ये इंक्रीमेंट है वो लगाना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ जैसे बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में यहाँ आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है, और पे डिटेल में जाने के बाद में यहाँ OTP से आपको OTP लेना है जो भी DDO है उनके मोबाइल से, और OTP लेने के बाद में आपको क्या काम करना है वो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो भी कार्मिक है उनका बेसिक जो पहले था और अभी जैसे इंक्रीमेंट का आपने जो ऑफिस ऑर्डर निकाला हुआ उसके अनुसार चेक करना है कि उनका बेसिक चेंज हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, बेसिक के साथ साथ DA और जो HRA है 42% और 9% वो भी उसी अनुपात में चेंज होना चाहिए। अगर नहीं हुए हैं, अपडेट नहीं हुए हैं, तो आप उसको चेक करें कि क्यों नहीं हुए। तो उसका मेन कारण हो सकता है कि अगर DA या HRA के आगे अगर फॉर्मूला F की जगह अगर A लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, तो वो अपडेट नहीं होगा। तो उसके लिए आप उसको मैनुअली अपडेट कर लें एडिट ऑप्शन में जाकर के। तो ये जानकारी थी विशेष रूप से कि किस तरीके से आपको जुलाई माह का जो इंक्रीमेंट लगाना है, इंक्रीमेंट अगर नहीं लग रहा है किसी कारण से तो कुछ जो सामान्य बातें मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आप उसकी इंक्रीमेंट डेट चेक करें। अगर वो 1/1/1/7/2023 है तो आप उनकी जो दूसरी डिटेल्स है डेट्स है जैसे मास्टर में जाकर के आप जो दूसरी डेट्स है वो चेक करेंगे, तो आप सारी डेट्स एक बार चेक कर लें तो और कंफर्म हो जाए कि आपके जो भी इंक्रीमेंट जो डेट है वो सही हो। एक तो प्रोबेशन अगर कोई कार्मिक है तो उसका प्रोबेशन हट गया है और इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं तो उसका जो स्टेटस है वो आप प्रोबेशन से हटा करके परमानेंट कर दें, और उसके बाद में उसकी डेट से जॉइनिंग रेगुलर सर्विस वगैरह वो आप अच्छी तरह से चेक कर लें। ये सारी चीज़ें अगर सही है तो आपके इंक्रीमेंट जरूर लगेगा। फिर भी अगर कोई इंक्रीमेंट में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।